तेजस्वी प्रसाद यादव तो पहले ही वामपंथी दलों के नेता और वो कांग्रेस के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नेता चुनने की जो औपचारिकता है उस औपचारिकता का निर्वाह भी हो चुका है और एक तरह से कही कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी है जी। इसके अलावा अगर इस वक्त अशोक जी हम बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तेजस्वी यादव पहुंचे, विधायकों का परेड हो चुका है, तो नई सरकार के गठन का स्वरूप भी तय हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि सभी विधायक सांसदों के साथ बैठक हुई और ये निर्णय हुआ कि अब हम लोगों को एनडीए में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वजह उन्होंने नहीं बताई, कहा कि हमारे लोग और बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ विस्तारित रूप से बातचीत करना चाहते हैं, चाह रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भीड़ ज्यादा रहने के चलते मुख्यमंत्री अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाए और लेकिन उन्होंने इतना संकेत जरूर दे दिया कि एनडीए गठबंधन में उनका रहना संभव नहीं था और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एक तरह से कहिए कि नीतीश ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अब एनडीए गठबंधन से उनका कोई संबंध नहीं रहा है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे पहले से वो कयास लगभग पूरे हो चुके हैं और अब सरकार बनाने के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक तरह से आपका लिखे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ समझौता नहीं होगा और जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू हो गई है। सीएम आवास में पहुंच गए हैं सभी विधायक और कुछ देर में ही वो राजभवन पहुंचेंगे जी। अशोक जी, ये तो बात हो गई, सरकार के गठन के स्वरूप की चर्चा हो गई, क्या कुछ सूत्र से खबरें आ रही है कि भागीदारी में किनको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? चर्चाएं लगातार आ रही है कि कांग्रेस के 4 विधायक होंगे और आरजेडी को गृह विभाग और डिप्टी सीएम मिलेगा, इस तरीके से और कोई कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, अभी देखिए आधिकारिक रूप से अभी कोई सोचना नहीं और ये सूत्रों की खबर है, उस खबर पर हम लोग भी अति भरोसा नहीं करते, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि आरजेडी और जदयू के बीच में जो गठबंधन है उस गठबंधन को लेकर के पूरी बातचीत हो गई है और बातचीत में सहमति होने के बाद ही सरकार गठन की प्रक्रिया जो है अब पूरी होने वाली है और तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री रहेंगे ही। खबरें आ रही नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस का भी एक उप मुख्यमंत्री हो लेकिन आरजेडी ने उसे स्वीकार नहीं किया है और अन्य बातों पर जो भी मामले हैं उन मामले को निपटा लिया गया है। अब देखना है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो फिर आगे क्या होता है जी। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास